पौड़ी जिले के अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य गंगा भोगपुर में अपने रिजॉर्ट और कैंडी फैक्ट्री पहुंचे। उनके साथ एक महिला और 3 लोग मौजूद थे। विनोद आर्य ने फैक्ट्री और रिजॉर्ट में घंटों तक छापेमारी की। जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और विनोद आर्य से सवाल पूछे तो वे मुंह पर रुमाल बांधकर सवालों से बचते हुए कार में बैठकर चले गए। सवाल उठता है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, 24 घंटे पुलिस और पीएसी रिजॉर्ट में फैक्ट्री की निगरानी कर रही है, तो फिर विनोद आर्य को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि विनोद आर्य ने फैक्ट्री और रिजॉर्ट में जाने के लिए कोर्ट या पुलिस से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली थी। ऐसे में चोरी छिपे फैक्ट्री और रिजॉर्ट में विनोद आर्य ने 2.5 से 3 घंटे तक क्या छानबीन की, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने मामले को लेकर बीजेपी सरकार और पुलिस को आड़े हाथों लिया है। क्या करना है इस फैक्ट्री में? आप फैक्ट्री का आज फैक्ट्री का इंश्योरेंस करने के लिए आए क्या? किस चीज के लिए आए? सर कोई परमिशन वगैरह दी परमिशन दी थी आपने क्या? कोई परमिशन थी आपके पास? जी आ रही हूं। परमिशन दी क्या? परमिशन थी आपके पास? कोई परमिशन थी भाई साहब? कोर्ट ने रोक लगा रखी, कोई परमिशन थी? परमिशन है किसकी है? उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही अस्पतालों में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मौसम में बदलाव का असर बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। बच्चों में सर्दी, जुकाम और खांसी के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामूली सा वायरल है। डॉक्टरों ने अभिभावकों को बच्चों का ध्यान रखने और उन्हें गर्म कपड़े पहनाने की सलाह दी है। उत्तराखंड में ग्राम प्रधान संगठन का हल्लाबोल लगातार जारी है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में संगठन ने ब्लॉक मुख्यालयों में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया और जल्द मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पचवादून के चकराता, कालसी, विकास नगर और सहसपुर ब्लॉक में भी ग्राम प्रधान संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। सहसपुर ब्लॉक में ग्राम प्रधानों ने जमकर नारेबाजी की और ब्लॉक मुख्यालय के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। तालाबंदी से पहले प्रदर्शनकारी ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में मौजूद कर्मियों को बाहर निकलने के लिए भी कहा, लेकिन वे अपने काम में मशगूल दिखे। तालाबंदी की वजह से ब्लॉक कर्मी बंधक की स्थिति में बने रहे। प्रदर्शनकारी ग्राम प्रधानों का कहना है कि वे लोग पिछले लंबे वक्त से सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगे नहीं मानी तो राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी हमारा जो है, इससे पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया गया था, तो हमारी कुछ मांगे सरकार को हमने ज्ञापन के माध्यम से भेज दी गई थी, तो उसमें भी कोई सकारात्मक रूप जो है सरकार के द्वारा हम प्रधानों के लिए कोई नहीं आया है। इसलिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी के लेवल से जो है आज पूर्ण रूप से तालाबंदी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर हम आज ब्लॉक सहसपुर में बैठे हुए हैं। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी मार्कशीट गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
दरअसल नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में L21 नंबर दुकान के ऑफिस में पहुंची थी। जांच के दौरान पुलिस ने ऑफिस के लैपटॉप, प्रिंटर और कंप्यूटर से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के फर्जी प्रमाण पत्र बरामद किए। जब मौके पर मौजूद आरोपी राजकिशोर से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वो लोगों से पैसे एडवांस में लेने के बाद फर्जी सर्टिफिकेट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाता था। आरोपी के पास से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 8 फर्जी मार्कशीट, 7 बैंक की पासबुक और 5 चेकबुक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। MDD जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें L21 जो दुकान है, वहाँ पर आश्रय फाउंडेशन नाम से एक NGO चल रहा था। और इस NGO के बारे में हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है फर्जी 10th के 12th की क्लासेस के जो हैं वो अंक तालिका प्रमाण पत्र बन रहे हैं। इस पर हमारे कोतवाली पुलिस और SOJ ने संयुक्त रूप से काम किया। इसको मतलब SP क्राइम, SP सिटी और CO के नेतृत्व में इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कोतवाली पुलिस ने पंचक्की चौराहे पर हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पंचक्की चौराहे में मौजूद कैफे में कैफे के मालिक ने अपने दोस्त के पिस्टल से चंपावत के रहने वाले बिशन सिंह को गोली मार दी थी। गोली लगने से घायल बिशन सिंह को बरेली अस्पताल रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से केस का खुलासा किया और कैफे के मालिक संजय बिस्ट और दीपक बिस्ट को अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों चंपावत के रहने वाले हैं और कैफे में किसी बात को लेकर विवाद के बाद कैफे मालिक ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। हरिद्वार पुलिस महिला सशक्तिकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलौर कोतवाली निरीक्षक मनोज मेनवाल कन्या पाठशाला पहुंचे और छात्राओं को जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं को सरकार की गौरा ऐप के बारे में भी जानकारी दी गयी। मैं यहाँ स्कूल प्रबंधन और कपूर साहब जी के निवेदन पे स्कूल में आए थे। यहाँ बच्चियों की काफी अच्छी स्ट्रेंथ, जो बेटियां हैं इनको जो नारी सुरक्षा और गोरा शक्ति है, नशे के बारे में और एक गुड सेमेट्रियन स्कीम है जो ट्रैफिक से अवगत कराएगा और सामान्य विषयों पर भी इनसे बातचीत की गई और इसमें साइबर के होने वाले अपराध हैं उनकी संभावना और उनकी जागरूकता के बारे में इनसे बात की। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में एक मादा गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे वन कर्मियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के दौरान गुलदार के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि गुलदार की मौत बाघ के साथ आपसी संघर्ष के चलते हुई है। मृत मादा गुलदार की उम्र करीब 3 साल बताई जा रही है। रेंज में जो हमारा आर्मी एरिया वहाँ पर एक मादा गुलदार का शव प्राप्ति को हमारे मादा गुलदार के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा घावों के निशान और उसको दूसरे जानवर द्वारा खाया हुआ देखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़े जानवर से मौत टाइगर जो मृत्यु के वास्तविक कारण है।